दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है एसआईटिस को लेकर, यानी कि जलोदर, पेट में पानी भर जाना। ऐसा पानी जो पेट हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है और ना तो ये पानी हमारे मुंह के द्वारा से निकल पाता है, ना ही मूत्र के द्वारा से निकल पाता है। इस रोग में रोगी को कई बार ऐसा महसूस होता है कि पेट जितना बढ़ा हुआ उसका और भी बढ़ता जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी वो पानी पीता है तो ऐसा लगता है पेट और भी बढ़ता जा रहा है, तो पानी का सेवन वो कम से कम करता है इस डर से। और कई बार 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 पेशाब जाने की संभावना उसको लगती है। अभी पेशाब करके आया, सोचता है कि वो और पेशाब आना है उसको, लेकिन वो प्रॉपरली पूरी तरह से आता नहीं है। कई बार इसमें जीसा मिचलाता है, उल्टी सी बुकाइयाँ सी लगती हैं, और कई बार थोड़ी बहुत भी उल्टी हो जाती है तो उसको पेट हल्का महसूस होता है। या कई बार खुल के बाथरूम आ जाता है तो वो पेट उसको ऐसा लगता है कि हाँ हल्का हो चुका है। और इसमें कई बार थकावट सी महसूस होती है, भूख का ना लगना, यानी कि तरह तरह की परेशानियों से इंसान झूझता रहता है। तो इसके होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है, अगर किसी को लीवर संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है। लीवर में सबसे बड़ी परेशानी, अगर किसी को लीवर सिरोसिस से संबंधित कोई परेशानी है तो उसको परेशानी हो जाती है। कब्ज़ के कारण परेशानी हो जाती है, यानी कि किसी को अगर हैवी कॉन्स्टिपेशन हो, यानी कि लंबे समय से वो कब्ज़ का शिकार है, कब्ज़ उसको हमेशा ही रहती है, तो भी ये परेशानी हो जाती है। कोई अगर पानी का सेवन सही तरह से नहीं करे तो उसको परेशानी हो जाती है, यानी कि उसको कई बार ऐसा है कि प्यास नहीं लग रही फिर भी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहा तो भी हो जाती है, क्योंकि पानी हमें हमेशा सही तरीके से पीना चाहिए। कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं बहुत से कि खाना खाते हैं बीच में पानी का काफ़ी सेवन करते हैं, वो गलत रहता है। खाना खाने के तुरंत बाद उसको पानी चाहिए, खाना खाने से पहले पानी चाहिए। अगर पहले आप पी रहे, कम से कम आधे से पौने घंटे का अंतर रखें आप खाना खाने से पहले अगर पानी पी रहे हैं तो, और खाना खाने के बाद अगर पानी पीना है तो आधे से पौने घंटे बाद पानी पिए। खाने के बीच में पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। बहुत सों को आदत होती है ज़्यादा मिर्च मसाले वाली तली हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, उनको भी परेशानी देखी गई है। किसी को अगर टीबी की शिकायत होती है, ट्यूबरक्लोसिस की परेशानी होती है, तो भी उनको परेशानी उत्पन्न हो जाती है। किसी को किडनी संबंधित रोग है तो भी उनको परेशानी हो जाती है। तो अगर ये किसी को रोग हो जाता है तो कैंसर रोग भी पनपने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है कुछ भी। तो चलिए मैं आयुर्वेदिक के अनुसार बताता हूँ, और आयुर्वेदिक में इसका बहुत ही सटीक उपचार है, आसानी से पूर्णतः आप ठीक हो सकते हैं। बशर्त यह है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा विश्वास रखें, भाई इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेरे भाई आप इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। भाई कहीं पैसा खर्च मत करो, अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करो, भाई मुझे भी नहीं चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो आप इलाज कर लो, आसानी से इलाज आप कर सकते हैं और बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। चलिए मैं सीधे औषधि की तरफ चलता हूँ, इसके लिए क्या लेना है। तो आप 100 ग्राम सिरस की छाल लेंगे, सिरस की छाल जिसको सरस भी कहा जाता है, ये लेंगे आप। और 100 ग्राम लेंगे मकोह, जिसको मकोह भी बोलते हैं, पपोटन भी बोलते हैं, ये दो चीज़ लेनी है आपको। अब करना क्या है आपको, ये पंसारी से आसानी से मिल जाएगी आपको सूखी हुई दोनों चीज़ें। अब पीस के आप पाउडर बना लेंगे। अब करना क्या है आपको, सुबह नाश्ते के बाद ले लें, या दोपहर को लंच के बाद ले लें, या रात को डिनर के बाद ले लें, एक बार लेना है आपको। करना कैसे आपको, एक गिलास पानी लेना है आपको और दो चम्मच ये पाउडर डालना है आपको, जो दोनों का आपने मिश्रण तैयार किया, यानी कि दोनों को जो पीस कर रखा हुआ आपने एक ही जगह, अलग अलग पीस के अलग अलग बर्तन में नहीं रखना, एक ही बर्तन में रखें, यानी कि दोनों को पीस के पाउडर बना लें एक साथ 100-100 ग्राम लेकर। अब 200 ग्राम आपका पाउडर हो गया, या आप एक डब्बे में रख लें, एक गिलास पानी के अंदर दो चम्मच, यानी कि नॉर्मल टीस्पून जो छोटी चम्मच होती है वो दो चम्मच एक गिलास पानी में आप डाल लें। अब उसको इतना उबाल लें कि उबल कर आधा गिलास या आधे से भी कम रह जाए, यानी कि एक अंदाज़ा लगा लें आप, 200 ग्राम पानी ले लें, उसमें दो चम्मच ये डालकर इतना उबालें कि पानी 50 ही ग्राम रह जाए, यानी कि पूरे एक गिलास का एक कप पानी रह जाए, आधे से भी आधा रह जाए, यानी कि 1/4 गिलास रह जाए। उसको आप छानकर, अच्छी तरह से निचोड़कर छानकर तब आपको पीना है। ये दिन में एक ही बार कर ले, गुनगुना करके पी ले या ठंडा करके पी ले, किसी भी प्रकार से आप एक बार पिएंगे। समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने कहा ऐसी करें मेरे भाई। 200 ml पानी हो, उसमें दो चम्मच ये पाउडर डालें, दोनों का मिक्स किया हुआ, सरस की छाल वाला और मकोए वाला। जब ये पक के, यानी कि एक गिलास का एक ही कप, यानी कि एक चौथाई कप रह जाए, छान कर इसको पिला दें एक बार। एक तो आपको ये करना है, साथ में कुछ औषधियाँ और चलानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको पूर्णतः इलाज देना, पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाए, भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो आपको। तो इसके लिए आपको लेना है चंद्र प्रभा बटी, ये बैद्यनाथ की ले लें या किसी भी फार्मेसी की ले लें, जो आपको उचित लगे वो ले लें आप।
तो चंद्रप्रभा बटी लेनी है आपको। दूसरी लेनी है आपको आरोग्य वर्धिनी बटी, ये भी बैद्यनाथ की आती है, किसी भी फार्मेसी की लेने आप। तीसरी आपको लेनी है पुनर्वादी मंडूर, पुनर्वादी मंडूर भी आप किसी भी फार्मेसी की ले लें, बैद्यनाथ की मिल जाती, ज़्यादा उचित है, तीनों बैद्यनाथ की आसानी से मिल जाती है हर क्षेत्र में। तो ये तीन औषधियाँ इसके साथ में चलानी है, वो तो आपने काढ़ा एक बार पीना है, चाहे सुबह नाश्ते के बाद पी लें, आधे घंटे बाद, दोपहर को खाने के बाद पी लें, रात को खाना खाने के बाद पी लें, एक तो वो काढ़ा पीना है। अब इन तीनों दवाइयों में से एक एक टैबलेट लेनी है आपको सुबह शाम, ये टैबलेट बेस होती हैं, बटियाँ होती हैं तीनों में से एक एक, सुबह नाश्ते के आधे से पौने घंटे बाद ले लें, एक एक तीनों में से बटियां ले खा ले, नॉर्मल पानी पी ले, इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट तीनों में से एक साथ लेनी है, खा ले पानी पी ले, ये आप कर लें, महीने दो महीने कर लो मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाकी आराम आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन में लगने लगेगा मेरे भाई, बहुत सी बार इसका 4-5 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्थिति अगर पुरानी हो, जटिल रोग हो चुका हो किसी को और समय काफ़ी समय से लंबे समय से जूझ रहा है इस परेशानी से, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है धीरे धीरे रिकवरी करती है, लेकिन पूर्णतः रिकवरी कर देती है, पूर्णतः इलाज में बता देता हूँ आपको, पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएंगे मेरे भाई, आप कर लो, बेफिक्र रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हो जाएंगे आप। तो ये औषधि आपको इस्तेमाल करनी है। अब आपको थोड़ा सा मैं परहेज भी बता देता हूँ, इसके लिए परहेज भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो परहेज में आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, घी मक्खन मलाई का कम से कम सेवन करें, जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा, आलू का कम सेवन करें इसके अंदर, चावल का कम सेवन करें इसके अंदर, नमक का कम प्रयोग करें, यानी कि नमक ज़्यादा ना लें, कम प्रयोग करें, बहुत सौ आदत होती है नमक ज़्यादा खाने की, तो इसमें नमक भी ज़्यादा मात्रा में नुकसान देता है। बादी चीज़ें या देर से पचने वाली चीज़ें ना खाएं, जो आपको नुकसान करे चीज़ें खान पान में वो चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा उचित रहेगा। बहुत सौ को आदत होती है अल्कोहल का सेवन करना, तो इसमें अल्कोहल समझ लीजिए एक जहर का काम करता है, अल्कोहल ना ले, ज़्यादा उचित रहेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप आवश्यकता अनुसार क्या खा सकते हैं ताकि जल्दी रिकवरी करें आप। तो इसमें आम का सेवन उचित रहता है, आम आप खा सकते हैं, गर्मियों का सेवन है, आसानी से मिल जाते हैं, आम खाएं। करेले का जूस यानी कि करेले का रस इसमें ज़्यादा उचित काम करता है, करेले का जूस पिए। कच्ची प्याज का सेवन आप कर सकते हैं, गाजर का रस, मूली के पत्तों का रस, मट्ठे का यानी कि छाछ का, इसका सेवन आप कर सकते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो बस मेरे भाई आप ये करें जो बताया, जिस तरह से कराया वो कर लो भाई, महीने दो महीने लगातार, यानी कि लास्ट 3 महीने तक भी इसको कर सकते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं है। बाकी आप महीने दो महीने कर लेंगे तो प्रॉपर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बाकी जिस तरह से मैंने बताया जो खान पान में बदलाव करना है वो कर लो भाई, पानी का सेवन सही तरीके से करो, खाना खाने के बीच में पानी का सेवन मत करो, खाने से आधे से पौने घंटे पहले पानी का सेवन करो, या खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद पानी का सेवन करो, खड़े होकर पानी का सेवन ना करें, बैठ के पानी पिए, पानी सिप सिप करके पिए। बहुत सारी चीज़ें भाई बताने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो आप वॉच नहीं कर पाते हैं, तो कोई बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करें जो बताया, बस स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल पूरी तरह से। और बाकी यही आशा करता हूँ, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।